नजर में वो असली है नकली है, ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, बस बस ये लड़के होते जेलस। हेलो जी, इफ अ न्यू व्यूअर्स हैज अराइव्ड तो उनको मैं बता दूं, माय नेम इज साजिद एंड आई एम अ ब्लॉगर, मगर कुछ टाइम पहले से। खैर, दिस कॉन्सर्ट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय टीम म्यूटेंट कॉल्ड म्यूजिकल्स और इसके होस्ट हैं अब्रोग्राफी, आप इनको इससे तो जरूर जानते होंगे, और परफॉर्मेंस में 109 गैंग, ब्लॉग की स्टोरी तो आप समझ गए होंगे कि आगे ब्लॉग क्या चलने वाला है, कौन कौन आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ YSR है और उसमें मैं बैक स्टेज था, बैक स्टेज। अब आगे तो बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। तो गनी सीन ये है कि हम कॉन्सर्ट में आ गए, अब जिस बंदे को हमें स्टेज पे लेके आना है वो है बाहर, अब YS जब आएंगे, अब्रोग्राफी जब आएगा तो फिर हमें पता लगेगा, क्योंकि इन दो बंदों से मुझे जरूर मिला, एक YS और एक अब्रोग्राफी, अब मुझे नहीं पता क्या ऑडियो क्या सीन है और तो अब हम जा रहे हैं बैक स्टेज, क्योंकि हमारे साथ इब्राहिम भाई हमें चले भाई, क्या सीन चल रहे अभी वैसे यार, बहुत थक गए चुके हैं, हमारा सारा सेटअप आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ चलता हुआ बस सही चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम चल रहे हैं, देर हो रही है, तो लेट्स गो। के ये स्टेज है जहाँ पर परफॉर्मेंस होगी और ये यानी पीछे लोग और हम अकेले ब्लॉगर हैं, तो यू नो अबाउट सीन्स। तो यानी सीन ये है कि हम स्टेज पे चढ़ चुके हैं, पीछे आवाम है, हम स्टेज के ऊपर, तो अब YS आएंगे और अब्रोग्राफी आएंगे, वो पता नहीं, आई थिंक DJ #X है, तो वो आएंगे, फिर हम मिलते हैं स्टेज पर। ये चेक तो क्या सीन, कैसी कितनी देर लगी, मतलब कब तक आएंगे, आई थिंक सो एक डेढ़ घंटा लगेगा, अरे इतनी तो देर हो, कितनी तो देर है, तो ये सीन है, अब एक डेढ़ घंटा लगता है, अब हम जब तक थोड़ी छुट्टियाँ मारते हैं यहाँ पर, दोस्तों को जलाते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं कुछ सीन स्टेज। यानी ये दिन मैं नहीं भूल सकता कभी, वाह ऐसे, और मैं स्टेज के ऊपर चढ़ाऊँगा। जब तक बॉयज़ आ रहे हैं हमें एक डेढ़ घंटे का पता लगा है, तो और हमें मिले हैं यहाँ पर बहुत सारे कोट, तो मंसूर भाई जहर भाई वो किसी ने बहुत अच्छा सीन है, अभी शुरू होने वाला है, और मुझे जो पता लगा है कि एक और मंजर जो रैप कर रहा है वो ये भाई हैं तिहामी भाई, वो मंसूर भाई का नाम बताया तिहामी है, तिहामी भाई है ये बॉय, तो बॉय क्या सीन हो रही है, थोड़ा सा लग रहा है डर, नर्वस हो रहा हूँ भाई, साउंड चेक करके फिर इनकी परफॉर्म है, ये कपड़े चेंज करेंगे, फिर उसके बाद ये स्टेज पे चढ़ेंगे, तो लेट्स सी क्या होता है। जानिए सीन ये हुआ है, ये भाई ने स्टार्ट करा, मैं थोड़ा सा बोला और पीछे रश देखो, मतलब चुप ही नहीं हो रहे, आप लोग थोड़ा उस तरफ हो जाएंगे, कुछ ही नहीं, भाई ने स्टार्ट करा, आप लोग थोड़ा सा पीछे, कैसा हो गया, थोड़ा सा पीछे, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है, स्टार्ट आप लोग इस तरफ आ जाओ, ठीक है ना, योगेश देर जो योगेश भाई, हाउ आर यू गाइस, फाइन एंड ऑल गुड, ये ऊपर परफॉर्मेंस चल रही है और हमारे बॉयज है पीछे, अब इनकी परफॉर्मेंस है, हम जाएंगे स्टेज पे, तो बॉयज लेट्स गो, तो हम लोग जा रहे हैं स्टेज पे और वॉइस यो यो जानी करेंगे, जानी आवाम बहुत है और हम सब जा रहे हैं परफॉर्मेंस ये करेंगे, और मुझे शॉर्ट्स लेने, तो मैं शॉर्ट्स लूँगा, तो लेट्स गो। ये हम स्टेज पे चढ़ चुके हैं लेकिन परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हुई है, जो कि भाई ये साउंड चेक, क्या सीन है, आधे घंटे हम खड़े रहे भाई, वॉइस इज रेडी और तो स्टेज पे आ गए, ये फिर से स्टेज पे आ गए, तो वॉइस परफॉर्मेंस रेडी है, जो कर
कर देना। तो सीधा कुरंगी ये परफॉर्मेंस चेक करो वापस। And now the wait is over. वजूदे जन से तस्वीरें कायनात में रंग, वो ना ही कमजोर ना ही वो किसी से कम। कराची मेरी पैदाइश थी, कराची मेरी रिहाइश थी, मेरी साइकी थी डिफरेंट, यारों ने सिगरेट पिलाई थी, भट्टी सा बंदा पड़काए बैठे कहानी सराय की, आलमगीर ब्रो मैंने सराय की, आखिर कोई वजह मत तक ऑन द माइक ए, अलग जोन अलग वाइब, 1-4 राइट और डाइज ऑन माय साइड, आई एम सो हाई, मुझे बीट की जरूरत ही नहीं भाई प्लीज। भाई चलो चलो चलो, कराची निकल ले लो, वाइस निकल गए और हम भी निकल गए।